श्री राम देव भगवान की लीला करा बखान, हृदय माही आन बसो निजाधारी भगवान। बोलो अजमल घर अवतार की जय। हो मारवाड़ जावे जने गोडवाड़ जावे, साक्षात अवतारी पिछम धरा के बादशाह भगवान द्वारका नाथ के अवतार मरुधर देव रामदेव जी महाराज, जिनके चमत्कारों की श्रृंखला जनमानस सभी जानते हैं। चमत्कार जिसे मारवाड़ी भाषा में पर्चा कहा जाता है, श्री रामदेव जी के असंख्य पर्चे आज जन जन में व्याप्त है। लेकिन ये महान पर्चा जो रामदेव जी महाराज ने बाणा बोलताराम को दिया अपने जीवन काल में, 24 पर्चे रामदेव जी की श्रृंखला के प्रमुख माने जाते हैं, जिसमें ये पर्चा बाणा बोलताराम को दिया हुआ पर्चा, महान पर्चा प्रस्तुत करते हैं और यही गाते हैं। ओ बाबा रामदेव जी ओ थाने खम्मा घनी, बाबा रामदेव जी ओ थाने खम्मा घनी, ओ बाबा रामदेव जी ओ थाने खम्मा घनी, रामदेव जी महाराज के दरबार का बड़ा ही प्यारा पर्चा। बात उस वक्त की, रामदेव जी महाराज ने बाबा बालीनाथ जी को पर्चा दिया, महान राक्षस भयंकर राक्षस भैरव का वध किया और 12 कोस के सुनसान जंगल को स्वयं बसाया, इस नगर को नाम दिया रुणीचा, जिसे रामदेवरा भी कहा जाता है। और ये कथा यहीं से प्रारंभ होती है। अरे भैरुड़ा ने मार बाबा पताड़ा दबायो, अरे भैरुड़ा ने मार बाबा पताड़ा दबायो, तो रुणीचा नगर बसायो जियो, अरे खम्मा 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 रे कवर अजमालरा अंडा तारो, तारा बाप
बसाया रामदेव जी महाराज ने, और बड़े ही प्यारे राजकुमार, संत रूपी राजकुमार, लोग दूर दूर से आकर उस महानगर में बसने लगे जिसे रामदेव जी ने बसाया। और एक बाण्या बोईता राम अपने परिवार सहित आकर रुणीचा में बस गया, छोटा मोटा व्यापार प्रारंभ किया मिर्ची बेचने का और मस्त रहने लगा। मस्त रहने वाला बाण्या बोईता राम सुबह से शाम तक मजूरी करता और शाम को आकर हमेशा की तरह सत्संग में बैठता रामदेव जी के आश्रम में। प्रतिदिन शाम में बोईता राम आकर विराजता, सत्संग सुनता, रामदेव जी महाराज उसे देखते रहते। एक दिन राजकुमार रामदेव ने पूछ ही लिया, आप कौन? बोले, बोईता, आपके नगर में निवास करता हूं प्रभु। बोले, क्या करते हो? बाण्या बोईता ने कहा, अरे रुणीचा में मिर्चा फिर बेचू मारा बाप जी, अरे रुणीचा में मिर्चा फिर बेचू मारा बाप जी, अंदा तारा दर्शन पाऊ जियो। रुणीचा में मिर्चा फिर बेचू मारा बाप जी, अंदा तारा दर्शन पाऊ जियो, खम्मा 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 रे कवर अजमाल रा। बाबा और आपके दर्शन पाता हूँ। रामदेव जी ने कहा, रुणीचा के सेठ और मिर्चियां बेचते हो? अरे रुणीचा रा सेठ कही जो और मिर्चा फिर बेचो हो, अरे रुणीचा रा सेठ कही जो और मिर्चा फिर बेचो, अरे दूरा रे देशा में क्यों नहीं जाओ जियो। रुणीचा रा सेठ कही जो मिर्चा फिर बेचो, दूरा रे देशा में क्यों नहीं जाओ। रामदेव जी महाराज, सेठ जी और रामदेव जी का वार्तालाप, सेठ जी बाया बोईता राम बाण्या की जात, थोड़ी घबराते हुए कहा, बाप जी, हाँ मैं जानता हूँ बाहर देश जाना पड़ता है और ज्यादा कमाई करने के लिए। बोले, हाँ हाँ, आप बाहर जाएंगे तो आप वहां से कुछ कमा कर लाएंगे और हमारे इस नगर की तरक्की होगी। हाँ, जैसे कहते हैं ना, बाहर की करेंसी आएगी। तो रामदेव जी महाराज ने मजाक में कहा, सेठ जी आप फिक्र मत करो, आपको जाना ही चाहिए। सेठ जी ने कहा, प्रभु आपकी मजाक, और मैंने जाना है कि जब बाहर जाया जाता है और आधा समदरिया आवे है, समुद्र पार जाऊंगा, मुझे पानी से बड़ा डर लगता है, मेरी बच्चे मेरी पत्नी यहाँ अकेले मैं छोड़कर जाऊं और कहीं समुद्र में तूफान आ जाए और मैं फंस जाऊं, डूब जाऊं, मेरा कमाया हुआ वहीं रह जाएगा। जय राम जी की। रामदेव जी ने कहा, इसकी फिक्र मत करो, जाओ, जब भी तुम्हारे में खराब बेल आवे मुझे याद कर लेना, मैं आपका हेला संभालन को जरूर आ जाऊंगा, जाओ सेठ जी। सेठ जी ने रामदेव जी के कहे अनुसार मुहूर्त निकाला और एक शुभ दिन देखकर अपनी पत्नी को अपने बच्चों को समझाया कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, और थोड़ा सा पैसा जो जमा था वो लेकर निकल पड़े और कहते हैं समुद्र पार किसी टापू पर, किसी द्वीप पर बोईता राम जी पहुंचे। रामदेव जी का नाम लेकर वहां कोयले की खानें बिक रही थी, थोड़ा सा पैसा था, एक कोयले की खान खरीदी और उसे खुदवाया, और बाबा की दया से, प्रभु की दया से वो हीरे की खान निकल गई। बोल रामाराज कमार की जय, हीरे की खान, सेठ जी माला माल हो गए। एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीने, पांच महीने, छह महीने, खूब पैसा बटोरा, सेठ जी धन्य हो गए, बाबा की कृपा मिली। थोड़े दिन में ख्याल आया, पत्नी की याद आई, बच्चों की याद आई, बोले अब जाना चाहिए, बहुत कमा लिया है। हाँ, रामदेव जी महाराज की कृपा से हमें इतना मिला है, रामदेव जी को भी कुछ देना चाहिए, कुछ सेनानी, कुछ निशानी ले जाना चाहिए, कुछ प्रेजेंटेशन, कुछ गिफ्ट देना ही चाहिए।
सुनार को बुलाया। बोले भाई जाओ खान में जाओ और अच्छे अच्छे नगीने बटोर लो और एक अच्छा सा हार बनाओ। मन में सोचा रामदेव जी को अपन क्या दे सकते हैं, हाँ उनके घोड़े के लिए एक अच्छा कंठा एक माला बना लेंगे। प्रभु की दया सुनार खान में गया और ऐसे ऐसे नगीने हाथ आए चले गया लेकर। और जब समय आया सेठ जी की रवानगी का, सेठ जी ने नाविक से बात की और मल्लाह ने आकर समय बताया। सेठ जी को याद आया, अरे मैंने वो हार बनाने दिया था रामदेव जी के घोड़े के लिए। सुनार को बुलाया गया, सुनार आया और जब हार वो कंठा सेठ जी के हाथ में दिया, सेठ जी के हाथ में कंठा आया और सेठ जी आंखें फिर गई, अरे बाप रे इतना जोरदार कंठा। नीयत खराब हो गई। सेठ जी ने मन में सोचा मारवाड़ी में ओ हार में रामदेव जी ने देऊं बस घोड़ा ने पहनाई लीलो घोड़ो अटनो बटनो दुड़वाई एक मन को बठे गिरी एक मन को बठे गिरी एक मन को बठे गिरी सत्यानाश हो जाई कंठा तो। लेकिन मारे घर में रही मारी पत्नी पहनी मारी लुगाई पहनी पचे बाबू की लुगाई पहनी पचे बाबू की लुगाई पहनी पचे बाबू की लुगाई पहनी सात पीढ़ियां तक ओ कंठो मारे काम आने को है। रामदेव जी ने के मालूम उनको क्या पता वहां जाकर इतने नगीने हैं कोई दूसरा कंठा बनाकर दे देंगे। सेठ जी ने सारी पेटियों को बंद किया संदूकों को बंद किया और नाविक के साथ नाव में सवार हो गए। नाव रवाना हुई और कहते हैं जो बोयोड़ा बई पावेला। धीरे धीरे नाव जब मझधार में पहुंची अचानक बादल घिराए अचानक तूफान ने डेरा डाला और भयंकर आंधी नाव डगमगाने लगी। सेठ जी परेशान पुकारने लगे अरे मुझे बचाओ। नाविक परेशान ये क्या हो गया। चारों ओर सुनसान उस समुद्र में तूफान की मचलती धाराएं लहरे लहरों में तूफान भर गया। सेठ जी पुकारने लगे अब मैं क्या करूं अरे मारी लुगाई मारा बच्चा। नाविक ने कहा सेठ जी मौसम तो इतना साफ हो वो अचानक क्या हो गयो तो दूधो पानी हो लेडी को जुजमान मैं भी मरूं। सेठ जी आपने कोई गलती की है अपने इष्ट देव को याद करो। उस तूफान में सेठ जी को याद आया रे 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 वो माला वो कंठा मैंने रामदेव जी के घोड़े के लिए बनाया था मैं मेरी लुगाई को पहनाने लग गया। सेठ जी पुकारने लगे ताइमाम प्रभु ताइमाम और सेठ जी की वाणी दर्द भरी आत्मा की वाणी पश्चाताप के आंसू हो आव अजमल जीरा लाला भगत बुलावे रे ओ पापा थाने भगत बुलावे रे ओ बाबा दे गो आव आव अजमल जीरा लाला भगत बुलावे रे ओ पापा थाने भगत बुलावे रे ओ बाबा दे गो आव आव
से मैं परदेश आया बाबा, मुझे क्षमा करो बाबा, मेरी अर्जी स्वीकार करो, मारो हेलो समारो बाबा। पश्चाताप के आंसू, आत्मा से निकली हुई आवाज, रामदेव जी महाराज स्वीकारते हैं, मरुधर देवता भावना के भगवान, ए बाबा मारी भूल हुई, मारी भूल, मैं पश्चाताप करूं धनिया, भूल हुई यो पानी बो बचाओ बाबा। बाण्या बोयता राम कहेला, उधर रामदेव जी महाराज उलीचा में अपने भाई बड़े भाई बीरमदेव जी के साथ चौपड़ खेल रहे थे, चौपड़ 25 और उस वक्त रामदेव जी महाराज हार रहे थे, रुक गए, हेला सुना, इधर बाण्या बोयता राम का हेला, उधर बीरमदेव जी महाराज बड़े भाई कहने लगे, रामदेव जी क्या बात है, चाल चलो, क्या सोच में पड़ गए। रामदेव जी ने कहा, मारो भगत संकट में है, मैं बचा रहा हूं, मन हेलो लगावे। उस वक्त रामदेव जी हार रहे थे, बीरमदेव जी ने कहा, नहीं 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 चाल चलो चाल, थे जब भी हारता रहो थाका भगत संकट में ही रहे, नहीं 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 नहीं, लीलाधारी की लीला, इधर बड़े भाई के साथ चौपर भी खेलते हैं, उधर रामदेव बीरमदेव दोनों भाई
इधर चौपड़ चल रही है और बड़े भाई वीरमदेव जी नहीं मान रहे हैं, बोले पासे फेंको। झट झट प्रभु का हाथ मानो अपने भगत के हेले संभालने के लिए चला गया। तूफान थम गया, लहरें शांत हो गई, शेर जी की नाव मलधार से निकल गई। और इधर चौपड़ में पासे ऐसे पड़े कि रामदेव जी हार गए। वीरमदेव जी ने आश्चर्य से देखा, रामदेव जी के हाथ को झाग लगा हुआ है समुद्र का। मुस्कुराए, बोले भैया रामदेव, भगत को तार दिया और खुद फंस गए, आप हार गए हो। बोले कोई बात नहीं, मेरा भगत बच गया, यही बहुत बड़ी बात है। लीलाधारी की लीला परंपार। इधर बाण्या बोयता राम अपने नगर पहुंचा रोणीचा, सीधा घर गया, पत्नी बच्चों से मिला, सब प्रसन्न, बहुत माल कमाया, बहुत धन कमाया। और अचानक याद आया बाबा की कृपा से, रामदेव जी कृपा से सब कुछ मिला है। और वो सारी बातें जो बीत चुकी है समुद्र में याद आई। अरे बोले पहले वो हार ले जाकर रामदेव जी को दूंगा। नहाए धोए स्नान किया और जब अपने पेटी बिस्तर संभालने लगे, ढूंढा लेकिन हार नदारद, हार का पता ही नहीं। अरे मैंने इसमें डाला था। सारी थैलियां सब कुछ जांच लिया लेकिन हार का कोई पता नहीं। सुबह से शाम हो गई, पत्नी ने कहा जाकर मिलकर तो आओ, पता चल गया होगा रामदेव जी को आप आ गए हैं। बोले हां हां जाता हूं। और अनमने भाव से उदास से आश्रम की ओर सेठ जी रवाना। और राजकुमार रामदेव, संत रामदेव अपने आश्रम में बैठे, सेठ जी को दूर से आता हुआ देखा और रामदेव जी स्वयं भाग कर बाहर आए और सेठ जी की अगवानी की। अरे घन अरे दिना सुमहरा सेठ जी पधारिया, अरे घनारे दिना सुमारा सेठ जी पधारिया, मारे काई से नानी ले आया जियो। घनारे दिना सुमारा सेठ जी पधारिया, मारे काई से नानी ले आया जियो। कम्मा कम्मा कम्मारे कमर अजमालरा, ओ ओ तीरे थलिया में बाबो मिंदरियो चीना, कैसे रहे हालचाल परदेश में। बोले प्रभु बस आपकी दया, आपके दर्शन वापस खींच लाए मुझे। बोले हाँ हाँ मेरे लिए तो आए ही हो आप, क्या बात है। हाँ चलो ठीक है, और क्या, हम तो परदेश जाने वाले नहीं, हम तो दिन रात इसी रुणीचा में बैठे रहते हैं। हमारे नगर से कोई बाहर गया ये हमारे लिए बहुत बड़े भाग्य की बात है सेठ जी। अच्छा मेरे लिए कुछ चीज लाए हो, परदेश से कोई वस्तु लाए हो। शेर जी बगले झांकने लगे, बोले बाप जी
बाप जी। रामदेव जी मुस्कुराए, बोले बाण्या हो ना। खैर कोई बात नहीं, ये बताओ आपने किया क्या कमाई व्यापार? बोले प्रभु आपके नाम से एक कोयले की खान खरीदी, उसे खुदवाया, वो हीरे की खान निकल गई। बोले वाह हीरे की खान? बोले हाँ प्रभु। बोले आप फिर तो आप? बोले हाँ बस। बोले माला माल हो गए? बोले हाँ। वाह शेर जी वाह, आनंद आ गया। अच्छा ठीक है, आप हीरे की खान यानी आप तो जोरी हो गए हो। बोले हाँ थोड़ा बहुत जान लेता हूं। बोले हाँ ठहरो ठहरो ठहरो। रामदेव जी ने कहा सेठ जी आपके जाने के बाद हमने एक हार खरीदा है, हम तो घुड़सवार है, हम क्या जानते हैं, हमें कोई परख नहीं है हीरो की, आप जानकार है, जा देखना हम कहीं ठगीज तो नहीं गए हैं। और रामदेव जी लीलाधारी अंदर जाकर बड़ा प्यारा कंठा लेकर हाथ में भागते हुए आते हैं और शेर जी के सामने बताकर कहते हैं शेर जी अरे देखो देखो सेठा मैं एक हारी ओ खरीदियो। हा शेर जी के हाथ में हार गया। अरे देखो देखो सेठा मैं एक हारी ओ खरीदियो। हा खोटो है कि खैरो जरा पर खो जियो। शेर जी के हाथ में गया, शेर जी ने देखा ध्यान से, अरे चरणों में पड़ गए। बोले बाप जी प्रभु वो तो वही कंठ है वही माला है। बोले वही माला? कौन सी माला? बोले प्रभु क्षमा करे ये माला मैंने बनवाई थी आपके घोड़े के लिए, मुझे क्षमा करे न दाता, ये तो वही माला है, मैं पूरा सामान ढूंढ चुका हूं ये माला वही है। अरे बोले शेर जी ये कोई बात हुई, हमने खरीदा और आप अपना माल कह रहे हैं? बोले क्षमा करो अंदर आता, मैं जान गया हूं प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। रामदेव जी ने कहा हाँ सेठ जी ये वही हार है, हाँ ये वही हार है, आपने हमारे घोड़े के लिए हार बनाया और जब हार को देखा नीयत खराब हो गई, आप अपनी पत्नी को फिर बाबू की पत्नी को फिर बाबू की पत्नी को पहनाने लगे, मैंने सोचा मेरा हार तो गया। और सेठ जी अरे जद थे बनायो सेठा जद मारो आई गयो। रामदेव जी महाराज ने हर पर्चे में एक उपदेश दिया है, यहां भी सेठ जी कभी कोई चीज किसी के निमित्त मत करे और जब कर दी है तो वो चीज उसी की होती है। अरे जद थे बनायो सेठा जद मारो आई गयो। सेठ जी आप मेरा हार अपनी पत्नी को पहनाने वाले थे, मैंने अपना काम किया और अपना माल अपने पास लाने के लिए, अरे जद थे बनायो सेठा जद मारो आई गयो। अरे जद थे बनायो सेठा जद मारो आई गयो। थारी जाजड़ ली तीराई मारो लियायो जियो। जद से बनायो सेठा जद मारो आयो। थारी जाजड़ ली तीराई मारो लियायो जियो। खम्मा खम्मा रे कंवर अजमालरा। अरे वारी 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 भारा कंवर ने जा धारी। वारी 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 भारा कंवर ने जा धारी। जारी झुकेड़ा में जारी झुकेड़ा में जोत सरवाई।
ध्वजा